स्टूडेंट्स वेलकम टू सक्सेस टेक्निकल कैंपस ऑनलाइन पोर्टल। हम लोगों ने अभी तक चार सीरीज किया हुआ है, जेबी गुप्ता सॉल्यूशंस के चार एपिसोड आपके पास आ चुके हैं। आज हमारा फिफ्थ क्लास है, ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें लिया है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और आप वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि वी ए की वैल्यू बतानी है तो हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, नोडल यूज़ करना चाहिए। बट देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को नोडल से सॉल्व कीजिएगा तो आपको आपके साथ प्रॉब्लम होगा, एक इक्वेशन बनेगा आपका ए के टर्म में और एक इक्वेशन बनेगा आपका बी के टर्म में, बिकॉज आप एक बार जब नोडल यहाँ लगाइएगा पॉइंट ए पर तो वी ए माइनस वी बी बाई टू बी तो लिखिएगा, और जब आप वी बी पर लगाइएगा तो वी बी माइनस वी ए बाई टू बी तो लगाइएगा। जल्दी बोलिए, क्लियर है इतना। देखिए नेक्स्ट, बट हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक जो हमने केसीएल केवीएल से क्वेश्चन करना सीखा है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ मान लूँ कि करंट है अगर हमारा आई, ठीक है ना, तो 20 एम्पे अगर यहाँ इंटर कर रहा है तो आई करंट लीव कर गया तो कितना करंट बचा, 20 माइनस आई, तो 20 माइनस आई भी क्या करेगा, लीव करेगा। क्लियर है इतना। तो 20 माइनस आई अगर यहाँ इंटर कर रहा है पॉइंट बी पर और 10 एम्पियर क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो कितना करंट बचा, 20 माइनस आई इंटर किया था यहाँ से लीव कितना कर गया, 10 एम्पियर, तो हमारे पास कितना बच रहा है, ये बचा 10 माइनस आई एम्पियर करंट भी लीव करेगा, क्योंकि जितना करंट इंटर करता है उतना ही करंट क्या होना चाहिए, लीव करना चाहिए। क्लियर इतना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ मान लें कि इसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है और ये 20 एम्पियर ए पॉइंट पे इंटर कर रहा है और आई करंट लीव कर गया तो 20 माइनस आई करंट रिमेनिंग रहा, 20 माइनस आई बी के पास आया और यहाँ से 10 एम्पियर लीव कर रहा है तो 20 माइनस आई से अगर 10 एम्पियर लीव कर गया तो कितना करंट बचा, 10 माइनस आई, तो 10 माइनस आई बी क्या करेगा, लीव करेगा, चूँकि जितना करंट इंटर करता है उतना ही करंट लीव करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली हम लोग यहाँ पर एक केबल लगा सकते हैं इंटरनल लूप में। जैसे ही हम लोग केबल लगाएंगे और आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, आई इंटू टू लिख देंगे, वही पोटेंशियल होगा पॉइंट ए का, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग लिखें यहाँ पे तो माइनस टू इंटू आई, क्यों माइनस टू इंटू आई, चूँकि करंट ऐसे है और हम लोग चल रहे हैं ऐसे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप रेसिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर के इसमें मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव वोल्टेज लिखना है, ठीक है ना। तो माइनस टू आई प्लस टू इंटू 20 माइनस आई प्लस वन इंटू 10 माइनस आई, मैं पूरा 1 इंटू, मुझे पता है 1 में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यूज होती है, फिर भी मैं 1 इसलिए लिखता हूँ कि आपको समझ में आए जब आप इसका सोल्यूशन करें, जब आप सोल्यूशन नोट डाउन करें और फिर जब एक महीने के बाद जब आप इसको यूज़ करें तब वो समझ में आए कि हाँ केबल कैसे लगाया गया हुआ है। क्लियर है इतना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर को नहीं आता कि 1 इंटू क्या होता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको एग्जाम में ऐसे 1 इंटू करके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि नहीं। चलिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस टू इंटू आई प्लस 40 माइनस टू आई प्लस 10 माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस टू आई और माइनस टू आई कितना हो जाएगा, माइनस फोर आई और माइनस आई माइनस फाइव आई, उधर लेके चले जाएंगे इसको इक्वल टू के उस साइड, तो प्लस फाइव आई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 इज 50 और आई इज इक्वल टू आ जाएगा 10 एम्पियर। तो हमें आई तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था वोल्टेज एट पोटेंशियल ए। तो अगर ए पॉइंट पोटेंशियल निकालना है और इसको अगर हमने रेफरेंस जीरो माना हुआ है तो यहाँ वोल्टेज बताइए कितना आएगा, यहाँ वोल्टेज आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आई, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, तो हमारा आंसर आएगा 20 वोल्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही आसान सोल्यूशन है इसका, बट अगर आप इसको नोडल से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग अगर इसको नोडल से सॉल्व करते तो पॉइंट ए पर अगर हम लोग नोडल लगाते तो हम लिखते माइनस 20 एम्पियर इंटर कर रहा है प्लस वी ए बाई टू प्लस वी ए माइनस वी बी बाई टू, और ये होता इक्वेशन नंबर
ए। अगर हम फिर पॉइंट बी पर जब लगाते तो हमारा केवीएल इक्वेशन केसीएल बनता, कितना बनता केसीएल, वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई टू प्लस 10 एम्पियर प्लस वी बी बाई वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वी बी वी ए और वी बी के टर्म्स में दो इक्वेशंस आते, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता तो ये क्वेश्चन लेंदी होता। डायरेक्ट आप वी ए यहाँ से निकाल सकते थे, बट ये लेंदी मेथड है चूंकि दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे कोई इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करना, सिंपली आपने क्या किया, बिना कुछ लिखे हुए आपने डायरेक्ट करंट की वैल्यूज पता कर ली कि किस में कौन सा करंट है, और सिंपल एक केवीएल इक्वेशन लगाया, एक लूप में एक सिंगल वेरिएबल बना आई और उसके टर्म्स में आपने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोड वोल्टेज वी इन द सर्किट पी। तो आपको फाइंड करना है नोड वोल्टेज वी। तो नोडल कैसे लगाते हैं एक बार फिर से मैं आपको सिखाऊंगा जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है। नोडल एनालिसिस, जिस नोड पे आपको काम करना है उस नोड को आपको पॉजिटिव वोल्टेज मानना है और हाईएस्ट मानना है। सिस्टम में जितने भी वोल्टेज होंगे सबसे बड़ा वोल्टेज वही है, ये आपको एज्यूम करके काम करना है। तो ऑब्वियस सी बात है सारे करंट वहाँ से क्या करेंगे, लीव करेंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट जाता है। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर नोड को हाईएस्ट वोल्टेज पर माना है तो वहीं से करंट क्या करेगा, लीव करेगा। अगर आपको करंट का डायरेक्शन नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ आपको नहीं पता कि 10 ओम में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, 20 ओम में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि आपको वी नहीं पता, ठीक है ना। बट ये 9 एम्पियर का डायरेक्शन आपको पता है, तो जिसका डायरेक्शन पता है उसके अकॉर्डिंग उसका साइन लीजिए, और जिसका डायरेक्शन नहीं पता है जिस ब्रांच में वहां पे आपको एज्यूम करना है कि आप जिस नोड पे केसीएल लगा रहे हैं, नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, वहां से करंट लीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको मानना है करंट ऐसे जा रहा है, यहां मानना है आपको करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने ये एज्यूम किया हुआ है तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, अगर केसीएल लिखना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेसिस्टेंस। तो V माइनस 30 डिवाइड बाय 10। माइनस 30 क्यों लिखा, हमेशा माइनस 30 नहीं लिखना है। अगर यही नेगेटिव साइन ऊपर होता या पॉजिटिव साइन नीचे होता तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता तो ऐड हो जाता है। पॉजिटिव वोल्टेज अगर नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सब्ट्रैक्ट होगा वोल्टेज, और नेगेटिव नेगेटिव अगर कनेक्टेड है तब भी वोल्टेज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो V माइनस 30 डिवाइड बाई 10 हम लोग लिख सकते हैं। 9 एम्पियर इंटर कर रहा है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, जो लीव करता है उसको मैंने पॉजिटिव माना है। आपकी मर्जी, आप उल्टा भी कन्वेंशन ले सकते हैं, जो लीव करता है उसको नेगेटिव मानिए, जो इंटर करता है उसको पॉजिटिव मानिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लस वी माइनस 36 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, ठीक है ना। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कोई आई करंट माने कुछ करें, चूंकि एक सिंगल इक्वेशन यहाँ पे बनने वाला है। अगर आप आई मानिएगा तब भी एक सिंगल इक्वेशन बनेगा और यहाँ पे भी सिंगल इक्वेशन बनने वाला है, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10 और 20 कैल्सियम हो जाएगा, 20 टू टाइम्स दिट इज 60 माइनस 180 प्लस वी माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे इट इज 3V इज इक्वल टू हो जाएगा 276, ठीक है ना। V इज इक्वल टू हो जाएगा 276 डिवाइड बाई 3, 3 9 3 2, ठीक है ना। तो 92 वोल्ट्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, नोडल आपको समझ में आया होगा आई होप। सिंपल केसीएल लगाना होता है, करंट की वैल्यूज लिखनी होती है वोल्टेज के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और दिस इज 2 ओम 1 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड नॉर्टन रेसिस्टेंस बताना हो, स्टेप जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। क्या स्टेप होता है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपके सर्किट्स में हैं सबको रिप्लेस करना है उनके इंटरनल रेसिस्टेंस से, और फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जैसे हम लोग फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज पैरेलल देखना है कि कौन से रेसिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में है, और उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स को करना होगा शॉर्ट सर्किट, यानी कि इसको हम लोग ऐसे करेंगे, और करंट सोर्स को करना होगा ओपन सर्किट, यानी कि ये ऐसे रहेगा,
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो कोई करंट जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है, ठीक है ना। तो जो भी करंट आएगा इसमें वो तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, तो रेसिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम ही इस सर्किट का रेसिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है कि अगर जो भी टारगेट टर्मिनल दिया हुआ है उसके अक्रॉस अगर कोई हम वोल्टेज सोर्स लगाएं, इमेजिनरी तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगेगा, अगर करंट फ्लो करेगा तो किस किस पार्ट में रेसिस्टेंस जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई बैटरी लगाइएगा तो ऑब्वियस बात है इधर कोई करंट जाने वाला नहीं है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना आ गया, RTH इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट। नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन द सर्किट, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछा जाए, अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट पूछा जाए यानी कि आपको थेवेनिन रेसिस्टेंस या नॉर्टन रेसिस्टेंस ही बताना है और दूसरा कि आपको शॉर्ट सर्किट करंट भी बताना है, तो क्या स्टेप है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी थेवेनिन रेसिस्टेंस और नॉर्टन रेसिस्टेंस। तो उसका तरीका क्या है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा था तो उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है 3 ओम और 2 ओम क्या है, पैरेलल में है और उसके साथ सीरीज में क्या है, 0.8 ओम। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 पैरेलल है किसके साथ, 2 ओम के साथ, और सीरीज में क्या है, 0.8 ओम। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 डिवाइड बाई 3 + 2 और प्लस 0.8, ये आपका आ जाएगा RN बोल लीजिए या फिर RTH बोल लीजिए, थेवेनिन रेसिस्टेंस बोल लीजिए या फिर नॉर्टन रेसिस्टेंस बोल लीजिए, एक ही चीज़ होता है दोनों। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 / 5 प्लस 0.8। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 1 × 1.2 प्लस 0.8, इट इज 2 ओम। तो ये पहला स्टेप था नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने का। नॉर्टन इक्विवेलेंट मीन्स नॉर्टन रेसिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट करंट, यानी नॉर्टन करंट। तो अगर आपको जब नॉर्टन करंट निकालना है तो अगेन आपको सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा जैसा था वैसा ही। कितना वोल्ट था, 24 वोल्ट, कितना था, 24 वोल्ट, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार डायग्राम में, 24 वोल्ट था, ठीक है, और यह है 3 ओम, 3 ओम, इट इज 2 ओम एंड इट इज 0.8 ओम, कितना है, 2 वोल्ट है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, इट इज 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसमें जो आपको नॉर्टन करंट निकालना है, नॉर्टन करंट निकालने के लिए जिस टर्मिनल के अक्रॉस आप नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं उस टर्मिनल को आपको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, यानी कि ए बी टर्मिनल को आपको शॉर्ट सर्किट करना है। तो शॉर्ट सर्किट करके यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट ISC बोल दीजिए या फिर IN बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, अलग अलग ये दोनों चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि शॉर्ट कर दिया तो ये शॉर्ट हो गया, नहीं शॉर्ट नहीं हुआ ये, क्योंकि 0.8 इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, यानी कि इस पूरे आर्म का जो रेसिस्टेंस है वो 0.8 ओम ही है। कितना दिया हुआ है, ये 2 वोल्ट्स दिया हुआ है वोल्टेज, ठीक है ना। तो आपको सिंपल आपको सर्किट थ्योरी का बेसिक लगाना है और ये वाला करंट फाइंड करना है। आप नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी आपको बेटर लगता है आप वो काम कर सकते हैं, टफ नहीं है कुछ भी इसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, पहला चीज, दो तरीका, नोडल लगा लीजिए या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, यहाँ पर 2 और 0.8 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर 3 ओम इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग इजीली लगा सकते हैं, उससे बेटर है कि हम लोग के ये नोडल एनालिसिस लगा लेते हैं। तो V-2/3 प्लस V/2 प्लस V/0.8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0.8 को एक बार हम लोग अलग से लिख लेते हैं, 0.8 क्या हो जाएगा, 8/10 यानी कि 4/5, तो ये ऊपर हो जाएगा 5
नीचे हो जाएगा 4। अब 3, 2 और 4 कैल्शियम ले लेते हैं, 3, 2 और 4 कैल्शियम जो आएगा वो आएगा 12, तो ये 4 टाइम्स, तो 4V माइनस 8 प्लस 6 टाइम्स, तो 6V प्लस 4, 3 इज 12, तो 3 इंटू 5 15V इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 और 4 10, 10 और 15 25V माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर V इज इक्वल टू 8/25। ठीक है ना, बट हमें क्या चाहिए, हमें वी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था IN, तो IN की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, V/0.8 यानी कि 4/5 यानी कि 5V/4, और V की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 5/4 है और V की वैल्यू है 8/25, तो 5 5 ज़ा 25, 4 2 ज़ा 8 यानी 2/5 एम्पियर, ठीक है ना, 0.4 एम्पियर। देख लीजिए ऑप्शन में जैसे भी दिया हुआ 0.4 एम्पियर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप एक स्टेप निकालें तो फिर आप ऑप्शन चेक करें। मैं देख लेता हूँ ऑप्शन कैसा था, ऑप्शन में RTH की वैल्यू 2 ओम क्या दो बार दिया हुआ है, बिल्कुल दो बार दिया हुआ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में जो है जो नॉर्टन रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम है, इसलिए आपको पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा, इसमें काम चलाने से नहीं होने वाला। अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में RN की वैल्यू 2 होती तो फिर हमें नॉर्टन करंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, हमें तो आंसर मैच करना है, जो भी आंसर मैच कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 ओम जैसे हमारा आया है, RN की वैल्यू 2 ओम आई है, तो 2 ओम सिर्फ एक ही ऑप्शन में होता, बाकी किसी ऑप्शन में अगर 2 ओम नहीं होता तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नॉर्टन के ऊपर। अप्लाइंग नॉर्टन्स थ्योरम द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल AB इन द बिलो सर्किट हैविंग इक्विवेलेंट सोर्स IN, इक्विवेलेंट करेंट सोर्स IN एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RN, घुमा फिरा, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग थोड़ा ऑप्शन देखें, RN इज इक्वल टू 4 क्या दिया हुआ है, दो बार नहीं दिया हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ RN निकालने से हमारा काम चलेगा, तो हमेशा ऑप्शन देखिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं आपको नॉर्टन करंट भी निकालना सिखाऊंगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ऐसे बनाया गया है, ऑप्शन जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला स्टेप है RN फाइंड करने का, RN बोलें या फिर RTH बोलें, दोनों का मतलब एक ही है, थेवेनिन रेसिस्टेंस या नॉर्टन रेसिस्टेंस एक ही होता है और इनके प्रोसीजर्स भी सेम है। तो पहला स्टेप था वो क्या था कि आप जितने भी सोर्सेज लगे हुए हैं सबको रिप्लेस करिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, आइडियल करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। तो आइडियल यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट करेंगे इसको, या आइडियल करंट सोर्स था तो इसको हम लोग लिखेंगे ओपन सर्किट, और फिर AB के अक्रॉस से हम लोग क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे फाइंड करना है, कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, तो सिंपली एक इमेजिनरी करंट यहाँ से फ्लो करा दीजिए और देखिए कि ये करंट कहाँ कहाँ फ्लो करेगा, ठीक है ना। अगर किसी दो एलिमेंट में सेम करंट फ्लो कर रहा है यानी कि वो सीरीज में है, अगर अलग अलग फ्लो कर रहा है तो हो सकता है कि वो पैरेलल में हो या फिर उनका कम्बिनेशन पैरेलल में हो। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई करंट यहाँ से आ रहा है तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, इस करंट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में, यानी कि ये वाला जो करंट होगा वो 4 ओम में फ्लो करेगा, बट इधर तो ओपन है, यहाँ करंट आएगा नहीं, तो ये सेम करंट इस 4 ओम में भी फ्लो करेगा, यानी कि ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या हो गए, सीरीज में हो गए, और ये इनका जो 8 ओम जो रिजल्टेंट आएगा वो 8 ओम क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो 8 और 8 का पैरेलल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 + 8 × 8 यानी कि 8/8 कितना होता है, 4, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको करना चाहिए जब भी दो रेसिस्टेंस सेम वैल्यूज के हों, अगर पैरेलल में है तो रेसिस्टेंस वैल्यू डिवाइड बाय 2, अगर 3 हो तो रेसिस्टेंस वैल्यू डिवाइड बाय 3, अगर 4 लगे हुए हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया क्या, RN। इस क्वेश्चन में इतना करने से ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, बट हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस को पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन से मैच नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ था 24 वोल्ट और करेंट सोर्स दिया हुआ है 2 एम्पियर, करेंट सोर्स इज 4 एम्पियर, इट इज़ 4 एम्पियर,
क्लियर है, करंट सोर्स इज 4 एम्पीयर। यू हैव टू फाइंड नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट निकालने के लिए क्या करना होता है, इस टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना होता है। जो भी टारगेट टर्मिनल होता है जिसके अक्रॉस आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट बताना है, उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। जब भी पैसिव एलिमेंट शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता, यानी इसका कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट है इसके वजह से इस 8 ओम में कोई भी करंट नहीं जाएगा। याद रखिएगा, पैसिव एलिमेंट यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर, ठीक है ना। बट अगर कोई करंट सोर्स लगा हुआ है तो वो वैसे ही रहेगा, उसको आप नहीं हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 ओम इसको हटा देते हैं हम लोग, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो भी 4 एम्पीयर करंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग मान लें ये आयन करंट है, यहाँ से आ रहा है 4 एम्पीयर, इधर लीव कर गया आयन, तो इधर करंट कितना जाएगा, 4 माइनस आयन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस पॉइंट पर अगर हम नोडल लगा दें तो 4 एम्पीयर एंटर कर रहा है, आयन लीव कर रहा है, तो बचा करंट कितना, 4 माइनस आयन, तो 4 माइनस आयन इधर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, केवीएल लगा सकते हैं हम लोग बाहर वाले लूप में, अंदर वाले में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स मिल रहा, करंट सोर्स मिल रहा है, और करंट सोर्स के क्रॉस हमको वोल्टेज पता नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर वाले लूप में काम करेंगे। तो -24 वोल्ट क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है तो निगेटिव लेंगे, -4 × 4 माइनस आई एन प्लस 4 × IN इज इक्वल टू 0। सॉल्व अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा, -24 -16 प्लस 4 IN प्लस 4 IN इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग रिपीट करें, सॉल्व करें इसको, 4 IN प्लस 4 IN कितना हो जाएगा, 8 IN, 8 IN इज इक्वल टू हो जाएगा 40, ठीक है ना। देयरफॉर IN इज इक्वल टू 5 एम्पीयर, IN इज इक्वल टू 5 एम्पीयर, ये हमारा सोल्यूशन है। क्लियर इतना, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग नॉर्टन और थेवेनिन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।